दोस्तों आज हमारे पास आया है पोको का मोबाइल और इसका मॉडल नंबर दोस्तों C50 और इसको आज हम करने वाले हैं हार्ड रिसेट। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। यदि आप स्क्रीन लॉक भूल गए हो तो किस तरह से इसको हार्ड रिसेट करेंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ को हम प्रेस किए हैं स्विच को और पावर ऑफ पर हम क्लिक किए। ठीक है, पावर ऑफ हो गया है। अभी आपको क्या करना है, वॉल्यूम का प्लस, ठीक है, वॉल्यूम का प्लस और पावर स्विच एक साथ आपको प्रेस करना है, एक साथ प्रेस करना है। जब पोको लिखेगा तब आपको वॉल्यूम स्विच को कंटिन्यू प्रेस करना है और पावर स्विच को छोड़ देना है। देख सकते हैं पोको लिखा, हम पावर स्विच को अभी भी प्रेस किए हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा नो कमेंट अभी है, देख सकते हैं। तो अभी आपको पावर स्विच को कंटिन्यू प्रेस करना है। ठीक है, कंटिन्यू प्रेस करना है और वॉल्यूम स्विच को एक बार, वॉल्यूम का प्लस बटन को एक बार आपको प्रेस करना है। देख सकते हैं हो चुका है। अभी नीचे देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रिसेट लिखा गया है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर स्विच को एक बार प्रेस करेंगे तो ये ओके होगा और वॉल्यूम डाउन करेंगे एक बार फैक्ट्री डाटा रिसेट पर। देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। अभी हम पावर स्विच को एक बार प्रेस करेंगे तो नीचे देख सकते हैं फॉर्मेटिंग हो रहा है। ठीक है, तो अभी रिबूट सिस्टम लिखा गया है तो यहाँ पर हम रिबूट सिस्टम पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर हम मोबाइल को रख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिनट लगता है तो हम वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लिए हैं क्योंकि बहुत लंबा होने वाला था वीडियो। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल अभी ऑन हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, पोको C50 कैसे हार्ड रिसेट करना था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।